दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि आपका जन्म कौन से महीने में हुआ था और फिर मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ बता दूंगा, तो शायद आप मुझे बेवकूफ कहेंगे। चलिए जरा इसे सुनिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस कमरे में पैदा हुए थे उस वक्त कमरे का टेम्परेचर क्या रहा होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस समय आपने इस दुनिया में कदम रखा ठीक उसी समय आपकी माँ की बॉडी का तापमान क्या रहा होगा। अब शायद आपको हमारी ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हीं कुछ बातों से पता चलता है कि आप फ्यूचर में कैसे इंसान बनोगे और आपका कैरेक्टर क्या होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके पैदा होते समय कमरे का तापमान ठंडा था या गर्म, उससे पता चलता है कि भविष्य में आपका दिमाग कितना गर्म होगा। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और उनका दिमाग गर्म हो जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कितना भी बुरा भला बोल दिया जाए लेकिन उन्हें आसानी से गुस्सा नहीं आता और वो हमेशा मस्त मस्त कूल कूल रहते हैं। बचपन में आपने मिट्टी के साथ कितना समय बिताया, सनलाइट का आपके ऊपर क्या इफेक्ट था और बचपन में आपकी ग्रोथ कैसी थी, इन्हीं सब बातों से पता चलता है कि आगे चलकर भविष्य में आपका करियर कैसा होगा, आपका कैरेक्टर कैसा होगा, या फिर कह सकते हैं कि आप कितने दुखी और हैप्पी महसूस करेंगे। अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसीलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में, सो लेट्स बिगिन। आपने मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट के बारे में तो जरूर सुना होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर ने कुछ बच्चों पर यह प्रयोग किया था। प्रोफेसर ने बहुत सारे बच्चों को एक कमरे में टेबल के सामने बिठा दिया और उनके सामने एक एक मार्श या चॉकलेट रख दी और उन सारे बच्चों को कहा गया कि जो भी बच्चा 15 मिनट तक इस चॉकलेट को नहीं खाएगा उसे इनाम के तौर पर 2 चॉकलेट और दी जाएगी। इसके बाद प्रोफेसर कमरे से बाहर चले गए और उन्होंने कमरे को बंद कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद प्रोफेसर कमरे के अंदर आए और उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी चॉकलेट खा चुके थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक अपनी चॉकलेट नहीं खाई थी और उनकी चॉकलेट अभी भी उनकी टेबल पर रखी हुई थी, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम थी। मतलब ज्यादातर बच्चे 15 मिनट तक इंतजार नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी चॉकलेट खा ली। इसके बाद इन सारे बच्चों को लगभग 20 साल तक मॉनिटर किया गया और जो नतीजे सामने आए उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिन बच्चों ने अपनी चॉकलेट पहले ही खा ली थी, मतलब जो बच्चे 15 मिनट तक इंतजार नहीं कर पाए, लगभग 20 साल बाद उन बच्चों की स्थिति दूसरे वाले ग्रुप के बच्चों से काफी पीछे थी। मतलब वो लोग एक आम जिंदगी जी रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि जिन बच्चों ने दूसरी चॉकलेट पाने के लिए 15 मिनट तक अपने टेबल के सामने रखी चॉकलेट को हाथ नहीं लगाया, वो बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे थे। पहले वाले बच्चों के मुकाबले ये लोग काफी अमीर थे और उनका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा था, उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ी बात, ये लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इस एक्सपेरिमेंट से इतना तो तय हो गया है कि हमारा बचपन और हमारा गुजरा हुआ समय हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारे बचपन की परिस्थिति और परवरिश काफी हद तक तय करती है कि हमारा अटैचमेंट कैसा होगा। जैसे उदाहरण के लिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल और टीचर का नाम सुनते ही नफरत महसूस होने लगती है। वहीं अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पुराने स्कूल और पुराने टीचर का नाम सुनते ही बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि पहली वाली परिस्थिति में स्कूल टीचर ने उस बच्चे के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया होगा, मतलब होमवर्क ना करने पर उसकी पिटाई की होगी और ऐसा कई सालों तक चलता रहा होगा, इसीलिए उस बच्चे को स्कूल और टीचर से नफरत हो गई। वहीं दूसरी परिस्थिति में स्कूल टीचर ने होमवर्क नहीं करने पर बच्चे को प्यार से समझाया होगा और उसकी हेल्प की होगी, इसीलिए उस बच्चे को अपने टीचर के साथ एक गहरा अटैचमेंट हो गया। खैर, आज इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों, आपने इतना तो सुना ही होगा कि साइंस भी इस बात को मानती है कि हमारे बर्थ वाले महीने का हमारी पर्सनालिटी से सीधा कनेक्शन होता है। मतलब आपके बर्थ महीने को देखकर बताया जा सकता है कि आप किस तरह के आदमी हो सकते हैं। मेरा मतलब आदमी और औरत दोनों, लेकिन आपको हमारे साथ ईमानदारी दिखानी होगी और हम आपसे जो भी सवाल करेंगे उसका आपको सही सही जवाब देना होगा। तो सबसे पहले आप अपने पास एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अब हम आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं। अपने उत्तर के हिसाब से आप नंबर को अपनी कॉपी पेपर पर लिखते जाइए और बाद में उनको जोड़कर आप अपनी पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। वैसे आप वीडियो को पॉज करके ज्यादा समय भी ले सकते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि सबसे ज्यादा कौन सा मौसम आपको पसंद है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला गर्मी, दूसरा बसंत, तीसरा ठंडी और चौथा बरसात। अब
अगर आपको गर्मी पसंद है तो अपनी कॉपी पर 20 पॉइंट नोट कर लीजिए, और अगर आपको बसंत ऋतु पसंद है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। ठंडी के लिए आपको 40 नंबर मिलेंगे, वहीं बरसात के लिए आपको केवल 10 नंबर मिलेंगे। अपने आंसर के हिसाब से आप नंबर नोट कर लीजिए। अब हम आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं, आपका जन्म कौन से महीने में हुआ था? पहला जनवरी से मार्च के बीच में, दूसरा अप्रैल से जून के बीच में, तीसरा जुलाई से सितंबर के बीच में, और चौथा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अगर आपका जन्म जनवरी से मार्च के बीच में हुआ है तो आपको 40 पॉइंट दिए जाते हैं, और अगर आपका जन्म अप्रैल से जून के बीच में हुआ है तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट। जुलाई से सितंबर वालों के लिए 20 पॉइंट, और जिनका जन्म अक्टूबर से दिसंबर के बीच हुआ है उन्हें मिलेंगे केवल 10 पॉइंट। अपने आंसर के हिसाब से पॉइंट को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। महीने के बाद अब हम आते हैं समय पर, आपका जन्म किस समय हुआ था? पहला रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच, दूसरा सुबह 7 से दोपहर 2 के बीच, तीसरा दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे के बीच, और चौथा रात 9 से रात 12 बजे के बीच। अगर आपका जन्म रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच हुआ है तो आप अपनी कॉपी में 40 पॉइंट नोट कर लीजिए, लेकिन अगर आपका जन्म सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच हुआ है तो आपको केवल 20 पॉइंट मिलेंगे। दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे के बीच पैदा होने वाले लोगों को 10 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन रात 9 बजे से रात 12 बजे के बीच पैदा होने वालों को पूरे 30 नंबर मिलेंगे। चलिए, इतना सब कुछ नोट करने के बाद अब हम अगला सवाल पूछते हैं, आपका जन्म किस तारीख को हुआ था? पहला 1 से 8 तारीख के बीच, दूसरा 9 से 17 तारीख के बीच, तीसरा 18 से 25 तारीख के बीच, चौथा 26 से 31 तारीख के बीच। पहले वाले जवाब के लिए अपनी कॉपी में 10 नंबर ऐड कर दीजिए, अगर आपका जवाब दूसरा वाला है तो 40 पॉइंट ऐड कर लीजिए, तीसरे वाले आंसर के लिए 30 पॉइंट, और चौथे वाले आंसर के लिए 20 पॉइंट अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिए। हमारा अगला सवाल है, आपको सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पसंद है? पहला भालू, दूसरा गाय, तीसरा डॉल्फिन मछली, और चौथा ऑप्शन है कुत्ता। भालू को पसंद करने वाले लोग अपनी कॉपी में 10 पॉइंट ऐड कर लीजिए, गाय को पसंद करने वाले लोगों को मिलेंगे पूरे 40 पॉइंट, डॉल्फिन मछली के लिए 20 पॉइंट, और कुत्ते के लिए 30 पॉइंट ऐड कर लीजिए। हमारा अगला सवाल है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं तो आप खुद को कैसा बनाना चाहेंगे? 1 घर पर रहकर काम करना, 2 खुद को क्रिएटिव बनाना, 3 आशावादी टाइप का इंसान, 4 लापरवाह आदमी। अगर आपने पहला विकल्प चुना है तो अपनी कॉपी में 40 नंबर ऐड कर लीजिए, दूसरे विकल्प के लिए आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, तीसरे ऑप्शन के लिए आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे, और चौथे ऑप्शन के लिए आपको 10 पॉइंट दिए जाते हैं। हमारा आखिरी सवाल है, आपका सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है येलो और ऑरेंज, दूसरा ऑप्शन है हरा और नीला, तीसरा ऑप्शन है लाल और गुलाबी, और चौथा ऑप्शन है सफेद और काला। येलो और ऑरेंज के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, हरे और नीले के लिए आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, लाल और गुलाबी रंग के लिए आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, वहीं अगर आपका सबसे फेवरेट कलर सफेद और काला है तो आपको पूरे 40 नंबर दिए जाएंगे। चलिए, अब आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दिया जाता है, जल्दी से अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपका स्कोर केवल 70 से 110 के बीच में है तो आप बहुत मूडी और इरिटेटेड इंसान हो, लेकिन ऐसे लोग बहुत सिंसियर भी होते हैं। अपने किसी दोस्त की मदद के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। वहीं अगर आपको 120 से 150 पॉइंट्स के बीच स्कोर मिला है तो इसका मतलब आप बहुत एनर्जेटिक इंसान हो, आपकी दोस्ती बहुत पक्की होती है, और जो भी आपके साथ रहता है बहुत ऊर्जावान महसूस करता है। वहीं अगर आपको 160 से 210 के बीच पॉइंट मिले हैं तो इसका मतलब आपके अंदर आशा कूट कूट कर भरी है, मतलब आप बहुत आशावादी हैं और जिंदगी के खेल को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन आप क्रिएटिव इंसान भी होते हैं, इसीलिए कई बार दूसरों के ओपिनियन को समझना ठीक नहीं समझते, इसीलिए आपको सामने वाले को भी तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपका स्कोर 220 से 280 के बीच है तो आप अंदर से बहुत शांत होते हैं, आपको बहुत कम गुस्सा आता है,
और आप बहुत कम बोरिंग और इरिटेटेड जैसा महसूस करते हैं। ऐसे लोग चौपाल पर बैठकर गप्पे हांकने के बजाय अपने कमरे में रहकर काम करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुद का ख्याल रखते हैं, इसीलिए बहुत खुश और अपनी जिंदगी में संतुष्ट होते हैं। तो दोस्तों, आपने अपनी पर्सनालिटी को चेक कर लिया होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को बदल नहीं सकते। एक अच्छी कोशिश करके आप भी सफल और अच्छे इंसान बन सकते हैं। खैर, जाते जाते हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी वाले इंसान हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।